नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया गया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद आजम खान ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए रामपुर जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज आजम खान ने पार्टी कार्यालय की छत पर चढ़कर नए कानून के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे सांसद ने कहा कि धारा 144 लगाने का मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक कार्यक्रम को रोका जाए। रामपुर में प्रदर्शन के दौरान सांसद आजम खान ने नागरिकता संशोधन कानून को इस देश की भावना के खिलाफ लाया गया कानून करार दिया है। विरोध प्रदर्शन के बाद दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क बहुत सवालिया निशान से जूझ रहा है। मेघालय से लेकर कश्मीर तक देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। आजादी इंसान का बुनियादी और पैदाइशी हक है। आज पूरे देश इसलिए बेचैन है, संविधान की जो मूल भावना है वो लिबर्टी ऑफ मैन है। उन्होंने कहा कि इंसान की आजादी जरूरी है। इस लड़ाई में किसी एक धर्म या जाति के लोग नहीं बल्कि हर महजब के लोग शामिल है। इससे पहले गुरुवार को दिन भर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के विरोध में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं होने की खबर भी है। राजधानी लखनऊ के खदरा इलाके में पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प भी हुई। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। पार्टी का प्रोग्राम था और ये पहली बार लोकतांत्रिक इतिहास में हुआ है कि पार्टी के प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी जाए। इसकी खबर टेलीविज़न से डायरेक्टर जनरल पुलिस के द्वारा मिले कि पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है और किसी को कार्यक्रम की कोई इजाज़त नहीं है। धारा 144 लगाने का ये मतलब नहीं होता के राजनीतिक कार्यक्रमों को रोका जाए। कोई सरकार रही, किसी की सरकार रही, क्योंकि जब पार्टी कार्यक्रम देती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, तो फिर दल और निशान नहीं देखा जाता। ये पहली बार हुआ है और इसमें हम समझते हैं कि क्योंकि सरकार को बहुत दुश्वारी है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, शांतिपूर्ण ढंग से जो होने वाला था उसे भी इसलिए रोका गया कि अदालतों के अंदर गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सड़कों पर बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, फिर उनको जलाया
और जलाकर मारा जा रहा है, ऐसे लोगों की सराहना हो रही है। एक मुजरिम के घर बलात्कार का मुलजिम सांसद जाकर उसकी हिम्मत अफजाई करे, उसकी तारीफ करे, मुल्क बहुत सवालिया निशान से जूझ रहा है। मेघालय से लेकर कश्मीर तक जो देश के हालात हैं किसी से छुपे हुए नहीं हैं। दरअसल सारी लड़ाई है संविधान को बचाने की। संविधान में मजदूर भी आता है, छात्र भी आता है, गरीब आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हिंदुस्तान का वो सारा क्षेत्र आता है जिसके लिए ये संविधान बना है। तो जितने भी लोग जमा हुए हैं ये अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं है। इन पर जो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं ये अन्याय है। ये वही अन्याय है जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के साथ किया था और नतीजे में उन्हें जाना पड़ा था। देर लग सकती है लेकिन अन्याय करने वाले लोग बहुत दिन अपनी गद्दियों पर कायम तो नहीं रह सकते। शांतिपूर्ण था लेकिन खुली छत है, आसमान है। जहां हमने धरना दिया वहां कंक्रीट की छत थी और जहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए वहां खुला आसमान है। परिंदों को रोका नहीं जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। पिंजड़े में भी परिंदे के लिए उड़ने की जगह होती है, तभी वो जिंदा रहता है। जो लोग मछलियों को पानी में बंद करते हैं उनको भी दौड़ने के लिए जगह रहती है। लेकिन क्योंकि आज़ादी इंसान का बुनियादी और पैदाइशी हक है, लिहाजा जब लिबर्टी पर किसी की आँच आती है तब पूरा देश बेचैन होता है। आज जो पूरा देश बेचैन है वो इसलिए है कि संविधान का की जो मूल भावना है वो लिबर्टी ऑफ ए मैन है, इंसान की आज़ादी, उसके ख्यालात की आज़ादी, उसके चलने फिरने की आज़ादी, उसके विचारों की आज़ादी। उस पर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है, उस आज़ादी को वापस लाना चाहता है। इसमें देखिए, इस लड़ाई में कोई एक धर्म या कोई एक जात के लोग नहीं हैं। दो दिन से बराबर टेलीविज़न पर मंजर देखने को मिल रहा है कि जामिया के एक स्टूडेंट के दोनों हाथ टूटे हुए हैं और वो अपने हाथ से खा पी नहीं सकता। तो एक हिंदू परिवार के यहाँ रह रहा है और वही लोग अपने हाथों से उसे नाश्ता खाना खा रहे हैं। ये तो एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, टर्निंग पॉइंट। जो जहर भरा गया था वो मोहब्बतों में तब्दील हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो एक राजनीतिक चक्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर पूरे प्रदेश में धरने चल रहे हैं, आज संभल में भी 5 बजे फूंक दी गई हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक का ये गुस्से में नज़र आ रही है। हमने क्योंकि हमेशा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन किए हैं और शायद इतनी लंबी राजनीति करने की हमारी वजह है। जो लोग टकराव चाहते हैं हमसे, जिन लोगों ने इस एक साल में बहुत कोशिश की रपटें कराने की, मुकदमे कराने की, हमें उकसाने की, हमारे लोगों को वरगलाने की, और अभी कुछ लोग जो जमा हुए थे विरोध के लिए स्टार चौराहे पर, उनके साथ जो अमल हुआ कोई बहुत सराहनीय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उसमें कुछ लोगों का तरीका गलत था तो उसे लोगों ने नापसंद किया और वही नापसंदीदा लोग दुश्मनी पर उतरे हैं इस शहर की, इस कमज़ोर समाज की। लोग ऐसा नहीं पहचानते, नहीं खूब पहचानते। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।